Good morning, students. Today we are going to start lesson number 14 in SST, Festivals and Community Celebration. You know, this is your 14th chapter in SST. So let's start this lesson. See, India is a land of festivals. Festivals are very important for the people of India. Festivals display the rich culture, heritage and unity among the people of India. Three types of festivals are celebrated in India. They are national festival, religious festivals and harvest festival. Yeah. आपको पता है कि इंडिया को लैंड ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि हमारे देश में तीन तरह के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. एक है नेशनल फेस्टिवल, दूसरा है रिलीजियस फेस्टिवल और तीसरा है हार्वेस्ट फेस्टिवल. आपको तो पता है कि नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं. नेशनल फेस्टिवल्स वो होते हैं जैसे लाइक रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, जो हमारे कंट्री से रिलेटेड होते हैं फेस्टिवल, वो उन्हें हम नेशनल फेस्टिवल कहते हैं. रिलीजियस फेस्टिवल्स वो होते हैं जो हमारे देश में जो पीपल जो डिफरेंट रिलीजन के रहते हैं, डिफरेंट धर्मों के, वो अपने फेस्टिवल्स को मनाते हैं. और हार्वेस्ट फेस्टिवल, क्योंकि भारत को एक कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है, तो हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल भी मनाते हैं जो कृषि से रिलेटेड होता है, ठीक है. फेस्टिवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. फेस्टिवल डिस्प्ले द रिच कल्चर, हेरिटेज एंड यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ इंडिया. आपको पता है जब फेस्टिवल्स हम मनाते हैं या कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम उसमें सभी लोगों को बुलाते हैं. तो बुलाने का क्या मकसद होता है, क्या एम होता है, ताकि लोग आपस में मिलें, आपस में उनका एक सौहार्द, ठीक है, जो बॉन्डिंग बने. तो ऐसे ही फेस्टिवल जब हम मनाते हैं तो ये लोगों के बीच यूनिटी बनाती है, ठीक है, और हमारे रिच कल्चर को प्रेजेंट भी करता है, ठीक है. तो हमारे तीन तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं, नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल और हार्वेस्ट फेस्टिवल. पहला है नेशनल फेस्टिवल्स. फेस्टिवल्स लाइक द रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती, विच आर सेलिब्रेटेड बाई ऑल द इंडियंस थ्रू आउट द कंट्री, आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स. दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है. फेस्टिवल्स जो लाइक रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे नेशनल फेस्टिवल है. क्योंकि ये नेशनल फेस्टिवल द पीपल दोज हु आर लिविंग इन आवर कंट्री इन इंडिया दे आर सेलिब्रेटिंग. ओके, तो हमारे देश में किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन के जो लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के जो लोग रहते हैं, वो सभी इस त्यौहार को मनाते हैं. इसीलिए ये कहा जाता है नेशनल फेस्टिवल, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू आर कंट्री, ठीक है. पहला है रिपब्लिक डे. आप लोग अभी तक तो आप लोग समझ ही गए रिपब्लिक डे, क्योंकि आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, उसे जानते भी हैं रिपब्लिक डे क्या है. द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर, ठीक है, अभी ये आने वाला है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इंटू फोर्स ऑन दिस डे. इस दिन हमारा संविधान बना था, ठीक है, 26 जनवरी. द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट राजपथ न्यू दिल्ली. और इस दिन का जो मेन फंक्शन होता है, आप दिल्ली की राजपथ पे देख सकते हैं, अ ग्रैंड परेड इज हेल्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेस. उस दिन हमारे देश के आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा एक परेड निकाली जाती है. फोक डांसर्स, पुलिस, स्कूल चिल्ड्रन, सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. आपने कई बार इसको अपने टेलीविज़न पे देखा होगा. ब्रेवरी अवार्ड्स आर गिवन टू द चिल्ड्रन हु परफॉर्म करेजियस डीड्स. और इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश के उन बहादुर बच्चों को अवार्ड भी दिया जाता है, ब्रेवरी अवार्ड. ट्रिबुलेक्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मेक इट अ रिमार्केबल परेड. ट्रिबुलेक्स क्या होता है, आपने झांकियों के बारे में सुना होगा ना. जब आप 26 जनवरी के परेड के लिए टेलीविज़न ऑन करते हैं, उसमें आप देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पे लोग बैठे लोगों को एड्रेस करते हैं और देश की आर्म फोर्सेस परेड निकालते हैं, इसमें झांकियाँ भी निकलती हैं, ठीक है. और उस दिन
जो ब्रेवरी, जो बहादुर बच्चों ने जो किसी की रक्षा की होती, किसी की जान बचाई होती, देश के हर एक राज्य से बहादुर बच्चों को चुने जाते हैं और उन्हें अवार्ड दिया जाता है। सो इट इज, दिस इज रिपब्लिक डे। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। इंडिपेंडेंस डे, इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। क्या भारत को अंग्रेजों से आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। और इस दिन को हम हर साल इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर होस्ट्स द ट्राइकलर एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड डिलीवर्स अ स्पीच। और जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं उस दिन रेड फोर्ट पे, लाल किले पे झंडे को फहराते हैं और स्पीच देते हैं। द कंट्री पेज होमेज टू द मार्टियर्स हु सैक्रिफाइड देयर लाइफ्स इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और उस दिन भारत के सभी नागरिक उन वीर योद्धाओं को, शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने भारत को आज़ाद करने में अपनी जान को गंवा दी। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द नेशन बाई सिंगिंग द नेशनल एंथम, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, परफॉर्मिंग स्किट्स ऑन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, ये पूरे देश में मनाया जाता है। कैसे? हम नेशनल एंथम उस दिन गाते हैं, पैट्रियोटिक सॉन्ग गाते हैं और स्कूल्स में बच्चे स्किट्स भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड। तो ये हमारा था इंडिपेंडेंस डे। गांधी जयंती के बारे में भी यू पीपल नो ना, गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अक्टूबर एवरी ईयर। एवरी ईयर ऑन 22 अक्टूबर वी आर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती। इट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। इस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ये उनका जन्म दिवस है, ठीक है। द फादर ऑफ नेशन, ऑन दिस डे द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एक्सेट्रा विजिट गांधी जी समाधि एट राजघाट न्यू दिल्ली टू पे होमेज टू हिम। इस दिन भारत के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी लोग राजघाट में गांधी जी के समाधि के पास जाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, होमेज देते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट योर नेशनल फेस्टिवल। ओके, सो नेक्स्ट ये आप फिर से रिवाइज करिएगा शुरू से लेके, अबाउट योर, अबाउट द रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। सो इट इज़ द नेशनल फेस्टिवल्स। ओके।